Hello friends and dear students, today we will discuss structure activity relationship of benzodiazepine derivatives. Benzodiazepine derivatives जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा use किए जाते हैं as एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में. और जो बेंजोडाइजापिन जो है हम लोग आज देखने जा रहे हैं, इट इज़ 1/4 बेंजोडाइजापिन. 1/4 बेंजोडाइजापिन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले पोजीशन पे और चौथी पोजीशन पे यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम 1/4 बेंजोडाइजापिन बोलते हैं. अब बात करते हैं आइए इसके एक जनरल स्ट्रक्चर की. अगर आप देखिए तो इस जो ये रिंग लगी हुई है इसको अगर हम लोग ढक लें तो ये टोटल, आप इस रिंग को अगर आप ढक लेंगे तो जो आपको ये एक 7 मेंबर्ड रिंग दिख रही है और एक फ्यूज रिंग है जिसमें एक जो है 6 मेंबर रिंग जो है बेंजीन रिंग जो है वो फ्यूज है 7 मेंबर रिंग से, इसी को हम कहते हैं बेंजोडाइजापिन. अगर इसकी नंबरिंग की बात करें तो हम इसके फर्स्ट नाइट्रोजन से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं. फर्स्ट नाइट्रोजन को नंबर 1, 2 दैट इज 3 जो यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये जो बीच वाले दोनों जंक्शन हैं इसको 9M10 कह सकते हैं. हम जनरली किताबों में हमको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलता है जहाँ पर पांचवें कार्बन पर यहाँ पर एक बेंजीन रिंग भी लगी होती है. तो ये इसलिए लगी होती है कि ज़्यादातर 1/4 बेंजोडाइजेपिन जो डेरिवेटिव्स हैं जो कि एज अ ड्रग यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर बेंजीन रिंग होती है, इसलिए यहाँ पर हमने दे दिया. लेकिन जनरली जो स्ट्रक्चर है बेंजोडाइजेपिन का वो ए और बी रिंग ही है, ये तो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर. अब आप बात करते हैं आइए इसका एक जनरल स्ट्रक्चर को देखते हुए. अगर इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को सिर्फ इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम लोग देखें या जो निचोड़ है उसको देखें तो आपके सामने बिल्कुल साफ साफ हो सकता है कि जो पहले नंबर पे जो नाइट्रोजन है अगर वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वहाँ के हाइड्रोजन को आप हटाते हैं या हाइड्रोजन रहता है तब भी वो एक्टिविटी शो करता है. अगर हाइड्रोजन को हम लोग स्मॉल एल्किल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी जो है वो इन्हांस हो जाती है, एक्टिविटी जो होती है पोटेंट कंपाउंड हमको यहाँ पे मिलते हैं. जो दूसरे कार्बन पे ऑक्सो ग्रुप लगा होता है या कार्बोनिल जो ग्रुप लगा होता है, दैट कार्बोनिल ग्रुप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप इसको यहाँ से हटा नहीं सकते जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये बाइंडिंग में मदद करता है. बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे सेल्स के अंदर है उनके ऊपर बाइंड करने के लिए ये ड्रग यहीं से क्या करेगी, बाइंड करेगी इस ऑक्सो ग्रुप के द्वारा या कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा. नेक्स्ट जो ये तीसरा पोजीशन है यहाँ पर, ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए, यानी कि ड्रग के एनिमलेशन में ये ड्रग बहुत मदद करती है. अगर आप इसको अनसब्स्टिट्यूटेड छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है उसके साथ इसको आप छोड़ दोगे तो ड्रग जो है वो आपके लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपके बॉडी में रहेगी और इसकी एक्शन जो है बढ़ जाएगी. लेकिन अगर कोई पोलर ग्रुप लाइक OH वगैरह आप यहाँ पर लगाते हैं तो ये एक्सक्रीशन इसका इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो ड्रग का है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. अब बात करें पोजीशन नंबर 4 की, तो पोजीशन नंबर 4 पे आपको एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है पोजीशन नंबर 5 के साथ. तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो अनसैचुरेशन है 4 और 5 पे, ये एक्टिविटी को इंक्रीज करता है. अगर आप इस अनसैचुरेशन को यहाँ से हटाएंगे, अगर आप इसको सैचुरेट कर देते हैं, अगर हाइड्रोजन आप जोड़ देंगे यहाँ पे, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी. आप चाहें तो इस नाइट्रोजन 4th और 3 के बीच में भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे फिर भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी. जैसे मैंने कहा कि बेंजोडाइजेपिन यही पूरा रिंग होता है, लेकिन पाँचवें कार्बन पर अगर आप चाहें तो एरोमेटिक रिंग्स लाइक फिनाइल या सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल्स का जो है वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. फिनाइल रिंग का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है यहाँ पर, या सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग का सब्स्टिट्यूशन होता है हो सकता है, और ये ऑप्टिमल एक्टिविटी शो करते हैं या हायर एक्टिविटी जो है हमारे बेंजोडाइजेपिन से ज़्यादा के ज़्यादा एक्टिविटी जो है प्रोड्यूस होती है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आप जहाँ पर आप इन रिंग के द्वारा एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट पोजीशन नंबर 7 की बात करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पोटेंसी एंड ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप लाइक क्लोरो ग्रुप या फ्लोरो ग्रुप अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, पूरे की पूरे कंपाउंड की बढ़ जाती है. अभी हम लोग एग्जांपल्स में इसकी एक्टिविटी देखेंगे. नेक्स्ट जो 6th, 8th और 9th पोजीशन है, ये सारी की सारी पोजीशन हम लोग इनका सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं. अगर आप इन जगहों पे सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के हाइड्रोजन को हटा करके कोई और ग्रुप लगाएंगे तो एक्टिविटी जनरली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. इसलिए 6th, 9th और 8th पोजीशन पे हम जनरली कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं. तो ये हो गया इसका एक सार. इसका सार जो है वो एक हम कह सकते हैं कि इसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में या जो है एक सिंपल फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं. आइए अब इसको एक एक पोजीशन पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ
इसके एग्जांपल्स के साथ। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन नंबर वन की। पोजीशन नंबर वन मतलब ये जो नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन लग रहा है वहाँ पे, तो हम बात करेंगे पहले तो पोजीशन नंबर वन पे नाइट्रोजन होना चाहिए, एंड दैट नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन है उसको आप चाहे तो बिल्कुल अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में छोड़ देंगे तब भी आपको पोटेंट कंपाउंड मिलेंगे, और अगर आप इस हाइड्रोजन को चाहें तो स्मॉल एल्किल ग्रुप्स लाइक CH3 के साथ क्या कर सकते हो, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो और आपको पोटेंट कंपाउंड मिलेंगे। तो चाहे आप अनसब्स्टिट्यूटेड छोड़ दीजिए तब भी आपको पोटेंट कंपाउंड मिलते हैं, लाइक एग्जांपल ऑक्साजिपाम है या लोराजिपाम है। तो लोराजिपाम और ऑक्साजिपाम में आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर में सिर्फ ये अंतर है कि नाइट्रोजन पे, इन सभी के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पर अनसब्स्टिट्यूटेड है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, फिर भी हमको पोटेंट कंपाउंड ऑक्साजिपाम और लोराजिपाम जो है वो मिलते हैं। लेकिन अगर आप इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ CH3 तब भी आपको डाइजापाम और टीमाजिपाम जैसे जो हैं पोटेंट कंपाउंड्स मिलते हैं। डाइजापाम तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन नंबर टू की बात करें अगर, जो कि है हमारा ये सेकेंड वाला कार्बन, तो इस कार्बन पे आपको एक कार्बोनिल ग्रुप या सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मिलता है। दिस ग्रुप इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा इट इज़ हेल्प इन बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। अगर आप बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर पे ड्रग को बाइंड कराना चाहते हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और अगर इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को अगर हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ज़्यादातर ड्रग्स में आपको देखिए यही सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप दिख रहा है, अगर इस ड्रग को आप इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को आप हटाओगे तो जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ड्रग की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि अगर इस कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट अगर हम NHCH3 के साथ कर देते हैं तो हमें पोटेंट कंपाउंड मिलता है, क्योंकि अगर इसका पोटेंट कंपाउंड मिलता है जैसे कि क्लोरडायाजीपॉक्साइड। क्लोरडायाजीपॉक्साइड वॉज द फर्स्ट सिंथेसाइज या पहली खोजी गई ड्रग थी जो कि बेंजोडाइजापिन की जो सबसे पहली ड्रग खोजी गई थी वो क्लोरडायाजीपॉक्साइड थी। लेकिन यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पर क्या है NHCH3 ग्रुप है। लेकिन जब ये आपके बॉडी के अंदर जाती है, बाद में जब इसकी हमने मैकेनिज्म देखी कि इस पर अगर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप नहीं है तो ये एक्टिव क्यों है, तो बाद में देखा गया कि जब ये आपके बॉडी के अंदर जाती है तो इसका क्या होता है, इसमें अमीनिफिकेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, एंड देन ये NHCH3 ग्रुप जो है यहाँ से हट जाता है और यहाँ पर वापस से क्या आ जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आ जाता है जब ये आपके मेटाबॉलिज्म में जाती है ड्रग। तो इसलिए यहाँ पर ये कहना तो ठीक है कि इस ड्रग में NHCH3 है लेकिन ये पोटेंट कंपाउंड है, बट इन मेटाबॉलिज्म इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो आपको जो पोटेंट जो कंपाउंड मिलेगा, जैसे कि मेडाजिपाम मिल रहा है, मेडाजिपाम इज ऑल्सो एक्टिव ड्रग बट इट इज़ लेस पोटेंट दैन द डाइजापाम। तो डाइजापाम से कम एक्टिव है लेकिन फिर भी हमें ड्रग तो मिल रही है कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को हमने हाइड्रोजन के साथ क्या कर दिया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। आइए बात करते हैं अब अगले पोजिशंस की, दैट इज पोजिशन नंबर थ्री। जो पोजिशन नंबर थ्री, एक बार फिर मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, दैट पोजिशन नंबर थ्री इज जंक्शन ऑफ दैट इज CH2 जंक्शन, जो कि इसको सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी यहाँ पर एक चीज छूट गई, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये आप यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन इज पोजिशन नंबर थ्री। अगर इस पोजीशन नंबर थ्री पे हम जो हाइड्रोजन है उसको बिल्कुल भी अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में छोड़ देते हैं, यानी वहाँ पर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, तो हमको पोटेंट कंपाउंड जो है वो मिलते हैं। जैसे कि अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल देखे हैं, जैसे कि ऑक्साजिपाम देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है। डाइजापाम आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आपके क्लोराजिपॉक्साइड में कोई भी नहीं था, या मेडाजिपाम में हमने कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं किया। तो इन पोजिशन पर आप सब्स्टिट्यूशन के बिना भी ड्रग को रख सकते हैं और पोटेंट कंपाउंड हमको मिलते हैं, और ये जो कंपाउंड होते हैं ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करते हैं, लाइक डाइजापाम, टेमाजिपाम, ETC। बट अगर इनका सब्स्टिट्यूशन, इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका सब्स्टिट्यूशन आप पोलर ग्रुप से कर देते हैं, लाइक OH ग्रुप अगर आप लगाते हैं, तो इट विल डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। पोटेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जो एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है या फार्माकोकाइनेटिक्स पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है इसका ड्यूरेशन, क्योंकि एक्सक्रीशन इन ड्रग्स का बढ़ जाता है, जैसे ऑक्साजिपाम और लोराजिपाम के स्ट्रक्चर में हमने देखा। तो ऑक्साजिपाम या लोराजिपाम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, जैसे ये देखिए ऑक्साजिपाम का स्ट्रक्चर है और लोराजिपाम का स्ट्रक्चर में, ठीक है, सॉरी टीमाजिपाम एंड लोराजिपाम, ये गलत हो गया है, तो ऑक्साजिपाम में नहीं होता, टीमाजिपाम में होता है OH ग्रुप और लोराजिपाम में होता है, तो आप उसमें जो है देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोजिशन नंबर फोर की बात करते हैं,
जो ये पोजीशन नंबर 4 है, यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर कार्बन नाइट सॉरी नाइट्रोजन क्या के साथ अनसेचुरेशन जरूरी है फिफ्थ पोजीशन के कार्बन के साथ। अगर इस अनसेचुरेशन को यानी कि डबल बॉन्ड को अगर आप हटाते हैं या सेचुरेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ पर, तो जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी ये डबल बॉन्ड यहाँ पर इसेंशियल है, इसको होना ज़रूरी है। अगर इस डबल बॉन्ड को आप हटाओगे तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर इस डबल बॉन्ड को हम शिफ्ट कर दें इन दोनों एटम्स के बीच में, यानी कि फोर्थ पोजीशन के नाइट्रोजन और थ्री पोजीशन के कार्बन के साथ, तब भी जो है एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर इसेंशियल मानते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन नंबर फिफ्थ की। ये जो पोजीशन नंबर फिफ्थ होता है बेंजोडाइजेपिन का, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप जो है उसका सब्सटीट्यूशन या एरोमेटिक रिंग, किसी भी एरोमेटिक रिंग का सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं लाइक फिनाइल ग्रुप, और ये हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन कंपाउंड जो है वो देते हैं। साइक्लो एल्किल ग्रुप भी यहाँ पर अगर आप लगाते हैं तब भी आपको प्रोटीन कंपाउंड जो है मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स में हमने डाइजापीम, टेमाजेपीम, ऑक्साजेपीम, मेडाजेपीम या जितने भी ड्रग्स अभी तक देखी, उन सबके स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमको एक फिनाइल रिंग जो है वो प्राप्त हो रही है। अब ये जो फिनाइल रिंग है, इस फिनाइल रिंग को भी हम लोग फर्दर से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यानी इस जहाँ पे जैसे कि R3 लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको फर्दर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लाइक क्लोरीन और फ्लोरीन। और ये सारे के सारे जो सब्सटीट्यूशन हम करेंगे वो हम सिर्फ ऑर्थो पोजिशंस पे करते हैं। कहाँ पे करते हैं, ऑर्थो पोजिशंस पे। यानी कि ये जो आपकी फिनाइल रिंग लगी हुई है, इस फिनाइल रिंग में हम लोग जो है ऑर्थो पोजिशन पे क्लोरीन या फ्लोरीन जो है वो लगा सकते हैं, या डाई सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं ऑर्थो ग्रुप पे, तो हमको एक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कि लोराजिपाम या क्लोनाजिपाम या फ्लोनाजिपाम। जैसे कि ये फ्लोनाजिपाम में आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने फ्लोरीन के साथ क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। इस बेंजीन रिंग में हमने यहाँ पर एक सब्सटीट्यूशन किया है किसका, फ्लोरीन का। क्लोनाजिपाम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने किसके साथ सब्सटीट्यूशन किया है, क्लोरीन के साथ, और ये हमको क्या मिलते हैं, एक्टिव कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं। अगर पोजीशन नंबर 5 पे पहले तो एक एरोमेटिक रिंग चाहिए होती है, एरोमेटिक रिंग में भी अगर आप सब्सटीट्यूशन कर देते हैं ऑर्थो पोजीशंस पे, तब भी आपको जो है एक्टिव कंपाउंड जो है वो मिलते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन नंबर 7 की। इट इज़ मोस्ट इन्फ्लुएंस पोजीशन, क्योंकि ये एक्टिविटी को सीधे क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अगर आप इस पोजीशन पे देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2 ग्रुप या CF3 या CN, अगर इस पोजीशन पे हम लोग लगाते हैं तो एक्टिविटी क्या कर जाती है, बढ़ती है, और इट इज़ एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। यानी यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप या CF3 या CN, ऐसे कोई भी ग्रुप अगर लगाओगे तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, और ये सभी के सभी इसेंशियल हैं एक्टिविटी को करने के लिए। यानी इन सब में से कोई ना कोई ग्रुप यहाँ पर होना है। ज़्यादातर समय पर हम लोग क्लोरीन ही हमको दिखाई देती है, और कुछ प्रोडक्ट्स में हमको NO2, BR, CF3 वगैरह भी दिखाई देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स से अभी हमने स्ट्रक्चर देखे क्लोनाजिपाम के, डाइजापाम, टेमाजिपाम में, इन सब में, इन तीनों में क्या कौन सा ग्रुप होता है, CL ग्रुप होता है, क्लोनाजिपाम में, डाइजापाम में और टेमाजिपाम में। फ्लोराजिपाम में NO2 ग्रुप पाया जाता है, जैसे कि आपने अभी ये देखा, ये देखिए यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है फ्लोराजिपाम में। नाइटाजिपाम में भी NO2 ग्रुप होता है और ब्रोमोजिपाम में ब्रोमीन ग्रुप होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आप 7 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाते हैं और आपको पोटेंट कंपाउंड मिलते हैं। अब बात करते हैं जो लास्ट की पोजिशंस बची, दिस इज पोजिशन नंबर 6, 7 एंड 9, सॉरी 6, 8 एंड 9। तो 6, 8 और 9 को हम लोग लेफ्ट अनसब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सब्सटीट्यूशन हम लोग नहीं करते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी सब्सटीट्यूशन करोगे तो ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट की क्या नाम है, एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। तो इसलिए 6, 8 और 9 पोजीशन पे हम कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं करते हैं। तो ये था आज के हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बेंजोडाइजापीन, और बेंजोडाइजापीन की स्ट्रक्चर आप ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको, ये एक इसका एक तरीके से क्या कह सकते हैं, समरी है। और आप इस तरीके से अगर याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाया करेगी। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को बनाइए, एक जनरल स्ट्रक्चर, एंड देन उसके बाद आप उसके डिफरेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को भी याद कर सकते हैं, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना करके आप इसको, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस ग्रुप पे कौन सा अगर हम लोग बदलाव करते हैं तो एक्टिविटी में क्या इफेक्ट आता है। एंड देन इसके स्ट्रक्चर में वही चीज़ें जो R3, R1 और R2 लिखा हुआ है, इसको आप चेंज करके इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी बिना किसी प्रॉब्लम के याद कर सकते हैं, बिना रटे याद कर सकते हैं सिंपल समझ करके। तो ये था सार ऑफ बेंजोडाइजेपीन। अगर इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।